अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, उम्मीद है आप भी ठीक होंगे। तो पाकिस्तान में हो रहा है बारिश का सीज़न और यहाँ तो इस कदर गर्मी है, बता नहीं सकती आप। 48 यहाँ पर गर्मी है और गर्मियों में तो बुरा हाल है, बाहर भी निकला नहीं जाता गर्मी में, इतना बुरा हाल है गर्मियों से। और पाकिस्तान में अल्लाह करे सैलाब का जो सुना है वो ना आए हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों को, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। दुआ करती हूँ अल्लाह ताला तमाम मुसलमान बहन भाइयों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो गाइस मैं आज बना रही हूँ वेजिटेबल्स मिक्स विथ चिकन भी कह सकते हैं आप, थोड़ा सा चिकन है, जस्ट 1 पाव। हम इतने कम चिकन में हम वेजिटेबल मिक्स पुलाव बना रहे हैं। तो मैंने आलू को अच्छी तरह धो कर इसी शेप में काटा है और टोमेटो मैंने, हमारा टोमेटो फ्रीज़र है और मैंने थोड़ा सा यहाँ पर रखा है पानी में, और मैंने चावल को अच्छी तरह धो कर वॉश करके रखा है सोख होने के लिए, और सब्जियों को काट कर मैंने छलनी में रख दिया। और ये हमारा है चिकन, चिकन देके हमने अच्छी तरह धो के छोटे छोटे पीस में काटा है, क्योंकि हमारा ये वेजिटेबल्स पुलाव है उसे हम, उसमें मैंने थोड़ा सा चिकन डाला है, तो चिकन को छोटे छोटे क्यूब्स में काटा है। तो यहाँ पर हमने प्याज डाल दिया है और साथ में ये खड़े मसाले भी डाल रही हूँ, होममेड घर का मसाला डाला है मैंने, कोई इसमें मशान वाला मसाला यूज़ नहीं करूँगी, बहुत कम बजट में आप बना सकते हैं मज़ेदार सा पुलाव, मिक्स वेजिटेबल मिक्स पुलाव कह सकते हैं आप। तो आज मैं बना रही हूँ ये, और सुबह से सफाई कर करके तो मेरा बुरा हाल है, और आज है फ्राइडे, फ्राइडे में बहुत ज़्यादा काम होता है, तो थोड़ा सा चिकन था वो भी मैंने डाल दिया है, और ये आलू जा रहा है जो मैंने छोटे छोटे पीस में काटा था खड़े मसाला डालने के बाद, वो भी डाल दिया है मैंने पोटैटो, और से मैंने कवर करके रखा है। 10 मिनट के बाद खोलते हैं, ये हमारा 10 मिनट हो चुका है तकरीबन। तो हमने जो टमाटर काट के रखा था वो भी डाल रही हूँ, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा मिक्स वेजिटेबल्स पुलाव, बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। और ये हमने स्पाइसेस भी डाल दिया है, स्पाइसेस में है रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हसबे ज़रूरत, मैंने बहुत कम यूज़ आप किया है, जितना यूज़ करना चाहे उतना डाल सकते हैं, मैंने बहुत ही कम यूज़ किया है, और 1-2 स्पून सॉल्ट मैंने डाला है। अब यहाँ पर मैंने हरी मिर्च, पुदीना और लेमन को, अब पुदीना को अच्छी तरह धो के हम इसको खाड़ते हैं, और हमने हरी मिर्च को दो दो पीस में काटा है, आप देख सकते हैं। आप चाहे तो साबुत भी डाल सकते हैं चीरा लगा के, लेकिन मैंने हरी मिर्च को 1-2 पीस में काटा है। अगर आपके बच्चों को सालन खाने का दिल नहीं चाहे तो आप झटपट से ये पुलाव बना सकते हैं, वेजिटेबल मिक्स पुलाव बहुत मज़े का बनता है, और मैं अपने बच्चों के लिए आज फ्राइडे वाले दिन ये बना रही हूँ। तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी को बनाइएगा अपने घर में अपने बच्चों के लिए, मैं आज अपने बच्चों की फरमाइश पे ये डिश बना रही हूँ। और ये जो मैंने चॉप करके रखा था इसको बॉयल भी किया था मैंने पानी में जस्ट 1 मिनट के लिए, तो हमने ये भी डाल दिया है, आप देख सकते हैं ये देखें। तो बॉयल करने से ये होता है हमें ज़्यादा देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और सिर्फ़ 1 मिनट तक मैंने बॉयल करके निकाल लिया था।
अब मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है ताकि हमारे मसाले नहीं जले। और इसी स्टेप पे मैंने लेमन का रस भी डाल दिया है। लेमन का रस डालने से टेस्टी होता है और हमारे जो चावल है ना किले किले बनते हैं। और मैंने पुदीना हरी मिर्च वो भी डाल दिया है और अपना चावल भी मैं ऐड कर रही हूँ। तकरीबन आधा किलो बना रही हूँ मैं राइस। ये कोई बासमती राइस नहीं है, बासमती राइस हमारा ख़त्म हो चुका था। जो बस थोड़ा सा आम चावल डेली उसमें जो करती हूँ वो वही चावल है, छोटा बासमती भी कह सकते हैं आप। तो वो मैंने डाल दिया है राइस। तो ये देखें पानी भी डाल दिया है चावल के हिसाब से। अब मैं कवर करके रखती हूँ उसे खुश्क होने के लिए। तकरीबन 7 मिनट के हो चुका है हमारा यहाँ पर। ये देखिए राइस तकरीबन खुश्क हो चुका है, थोड़ा थोड़ा है अभी। अब इसके हम फिर से मिक्स करते हैं। और ये देखिए आप चेक देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा खुशबू आ रहा है पुलाव से, यम्मी लग रहा है बहुत ज़्यादा। और इसी स्टेप पे मैं पुदीना थोड़ा सा बचा के रखता, हरी मिर्च पुदीना वो भी ऐड कर दिया है। फिर से मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके ढक्कन लगा देती हूँ ये देखें। और मैं इसे तकरीबन 7 से 15 मिनट तक आप रख सकते हैं। दम पे दिया है मैंने। हमारा अब मैं खोल के चेक करती हूँ, आपको ट्रे में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़ेदार पुलाव हमारा रेडी हो गया है। ये देखें वेजिटेबल मिक्स बिरया पुलाव। तो गाइस आप लोग प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आप अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाएगा ये रेसिपी। पसंद आए तो कमेंट्स में बताइएगा आज का रेसिपी हमारा कैसे बना है। तो आज के व्लॉग इतना ही गाइस। और साथ में मैंने ये रायता भी बनाया है थोड़ा सा, और थोड़ा सा सलाद बना के फ्रिज में रख दिया है, वो आपसे शेयर नहीं किया है। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। लव यू ऑल।